सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर की पेपर सेकंड की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं और ये पुस्तक है जिसका नाम है साहित्यिक निबंध संग्रह। ये आपके सिलेबस में है, पेपर सेकंड में आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम सत्यनारायण है। देखते हैं इसमें क्या क्या है सिलेबस। ये 15 रुपये की किताब है, आप इसको देवली मार्केट से ख़रीद सकते हो। ये पाठ्यक्रम है, अपना सिलेबस है पेपर सेकंड का। इसमें छोटे छोटे से 9 निबंध हैं। पहला है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। दूसरा है कवि कर्तव्य, इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और तीसरा है तुलसी के सामाजिक मूल्य, लेखक हैं रामविलास शर्मा। चौथा निबंध है भारत एक है, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। पांचवे लेखक हैं कुबेरनाथ राय और निबंध है कवि तेरा भूर आ गया। छठा निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। सातवां निबंध है मानस की धर्मभूमि, मानस यानी रामचरितमानस, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आठवां अध्याय है पार्थिव धर्म, और इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। अंतिम अध्याय है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल सहल। इस पुस्तक के जो संकलन करता है, संपादक है, वो है डॉक्टर गजेंद्र मोहन। आप किसी दूसरे संकलनकर्ता की किताब भी ले सकते हो, इसको कोई भी लिख सकता है, इस किताब को कोई भी छाप सकता है। ये यहाँ देखो आप, ये बस ये 9 लेखक हैं, इनकी निबंध उठाओ और उनको छाप दो। ये निबंध इन लेखकों की कौन सी किताब से लिए गए हैं, तो ये दे रखा है इधर की इन की इस किताब से ये लिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हो, इन किताबों से ये लिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, पुस्तक की पूर्व पीठिका देखते हैं। पूर्व पीठिका यानी प्रस्तावना या भूमिका, ये सबसे काम की चीज़ है, क्योंकि हमें बताया जाता है इसमें कि इस पुस्तक में क्या है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले निबंध शब्द का अर्थ देखते हैं। निबंध शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है इस शब्द की। इसका अर्थ है विशेष रूप से बंधा हुआ। तो निबंध का क्या अर्थ हुआ, विशेष रूप से बंधी हुई रचना, है ना। ये कहानी और नाटक और उपन्यास अलग होता है, क्योंकि बंधा हुआ होता है, सुगठित होता है। बंध धातु में नि उपसर्ग और घ प्रत्यय से उत्पन्न निबंध का शब्दकोशगत अर्थ है बांधना। निबंध का अर्थ है बांधना, कसाव, लगाव, आसक्ति आदि। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने यहाँ पे निबंध आया है अंग्रेजी से, हिंदी में निबंध नहीं लिखे जाते थे, हिंदी में या संस्कृत में निबंध नहीं लिखे जाते थे। हमने ये निबंध लिखना किनसे सीखा, अंग्रेजों से। जैसे हमने कहानी लिखना अंग्रेजों से सीखा, जैसे हमने उपन्यास लिखना अंग्रेजों से सीखा, वैसे ही हमने निबंध लिखना भी किससे सीखा, अंग्रेजों से। अब हम इसकी मोटी मोटी परिभाषा देख लेते हैं। पहला तो आप लिखोगे निबंध शब्द का अर्थ विशेष रूप से बंधी हुई रचना, और ये लिखोगे कि इसका अर्थ कसाव, लगाव, आसक्ति, ये बांधना, ये लिख दोगे। फिर ये लिखोगे कि निबंध हिंदी में अंग्रेजी साहित्य से आया। अब यहाँ पे आगे आ जाओ आप, निबंध रचना का प्रधान उद्देश्य लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट करना है। क्यों लिखा जाता है, ताकि लेखक के व्यक्तित्व को प्रकट किया जा सके। निबंध गद्य में लिखा जाता है, इसमें लेखक विशिष्ट दृष्टिकोण के किसी विषय का प्रतिपादन करता है। ये आपको लिखना है जब पूछे कि निबंध क्या है। तो निबंध गद्य में लिखित एक सीमित आकार की संरचना है,
इसमें लेखक विशिष्ट दृष्टिकोण से किसी विषय का प्रतिपादन करता है, कोई एक टॉपिक ले लेता है। जैसे आप देखो यहाँ पे साहित्य क्या है, ये टॉपिक ले लिया। कवि कर्तव्य क्या है, ये टॉपिक ले लिया। अब इसमें लेखक अपना दृष्टिकोण बताएगा और इस विषय को विस्तार से बताएगा आपको, भारत क्या है, या कवि तेरा भोर आ गया, एक ललित निबंध है तो कि ललित निबंध क्या होता है, ललित निबंध में क्या क्या लिखा जाता है, राष्ट्र का स्वरूप, ये अब आगे पढ़ेंगे। तो इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत विचार बताता है, इससे लेखक का व्यक्तित्व सामने आता है। अब आगे देखते हैं, हिंदी में निबंध साहित्य का विकास कहाँ से हुआ। अपनी किताब में दे रखा है हिंदी निबंध साहित्य का विकास। अभी आपको बताया कि ये मुख्य रूप से आधुनिक काल की देन है और ये अंग्रेजी साहित्य से हिंदी में आया। इसमें लिख रखा है कि ललित निबंध की परंपरा पर विचार करते हुए कुछ समीक्षक से संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की आख्यायिका आधुनिक रूप मानते हैं, लेकिन हिंदी के ललित निबंधों की आख्यायिका से उतनी ही निकटता है जितनी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी भाषा की निकटता। यानी ये सीधा सीधा नहीं आया है वहाँ से, इसने आधुनिक काल में अंग्रेजी साहित्य से अपना रूप ग्रहण किया है। सबसे पहले जो निबंध लिखे गए वो लिखे गए भारतेंदु काल में। भारतेंदु काल में लगभग सभी विधाओं का विकास हुआ, चाहे वो आत्मकथा हो, निबंध हो, नाटक हो, कहानी हो। कारण क्या था, क्यों लिखा गया, देखते हैं। राष्ट्रीय जागरण का उत्साह, ये मेन चीज़ थी। आप देश की जनता को कविता में इतना अच्छे से नहीं समझा सकते जितना अच्छे से आप अखबार में लेख लिख के समझा सकते हो। और वो था अंग्रेजों का ज़माना, अंग्रेजी राज था सारे भारत में। तो लेखक ये चाहते थे कि उनकी बात पढ़ी जाए, समझी जाए। उसके लिए उन्होंने क्या साधन अपनाया, नाटक, निबंध आदि आदि। कविता भी थी लेकिन कविता कम थी, क्योंकि कविता समझना और पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले नाटक पे जोर दिया, क्योंकि उसको अनपढ़ आदमी भी देख सकता था और देख के समझ सकता था, और देश की अधिकांश जनता उस समय अनपढ़ थी। तो भारतेंदु का मुख्य जोर तो नाटकों पे रहा, फिर निबंध लिखे गए। अब राष्ट्रीय जागरण का उत्साह था, देश प्रेम की भावना थी, नया नया देश प्रेम, भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही थी, भारत विश्व से जुड़ रहा था, इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीयता। हम अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आ रहे थे, वहाँ पर निबंध लिखे जा रहे थे, अखबार शुरू किए गए थे और भारत में छापाखाना बन गया था। ये बहुत बड़ी बात है। अब आपके पास छापने की मशीन ही नहीं है तो आप निबंध कहाँ से लिखोगे, और अब मान लो कैसे कलम से लिख भी ले तो उसको दूसरे लोगों तक कैसे पहुँचाओगे। तो मेन चीज़ थी मुद्रण कला, छापाखाना, और ये हमें अंग्रेजों ने दिया। भारत में नहीं था छापाखाना, रीतिकाल के कवियों के पास छापाखाना होता तो शायद वो भी निबंध और उपन्यास लिखते। अब कविता तो याद करके बोल के लिखी जा सकती है, सुनाई जा सकती है, लेकिन निबंध थोड़ी याद रखा जा सकता है। इतने बड़े बड़े निबंध और उपन्यास को याद नहीं रखा जा सकता। तो निबंध और उपन्यास और ये ऐसी विधाएँ कब विकसित होगी, जब छापाखाना बन जाएगा। आपके पास छापने की मशीन ही नहीं है तो आप उपन्यास नहीं लिख सकते, निबंध नहीं लिख सकते, क्योंकि वो दूसरे लोगों तक पहुँचेंगे ही नहीं। उनकी प्रतियाँ कैसे बनाओगे, 100 लोगों तक पहुँचाना कैसे पहुँचाओगे बताओ। तो इसके लिए ज़रूरी है मुद्रण कला या छापाखाना। फिर समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। आप सबको पता है कि 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। पूछता भी है ये परीक्षाओं में कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ या हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो ये है उदंत मार्तंड। अब आगे आओ, आप इस काल के लेखक कौन थे जो निबंध लिख रहे थे। देखो निबंध का आविर्भाव हुआ भारतेंदु काल में। इसमें भारतेंदु खुद थे, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के दोस्त थे। इनके 4-5 लोगों का एक ग्रुप था, भारतेंदु का एक समूह था, उसको बोलते हैं भारतेंदु मंडली। उसमें पहले तो भारतेंदु खुद हो गए, भारतेंदु मंडली में दूसरे हो गए बालकृष्ण भट्ट, तीसरे हो गए प्रताप नारायण मिश्र, चौथे हो गए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास,
श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी ये लोग थे। ये भारतेंदु मंडली में भी शामिल थे। भारतेंदु ने जो अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया था हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए, उसमें ये सभी लोग शामिल थे। अब देखो, इनका मुख्य मकसद था समाज सुधार, खुद के देश से प्रेम। देखो यहाँ पे अपनी बुक में भी दे रखा है, समाज सुधार इनका मुख्य मकसद था, देश प्रेम इनका मकसद था, अतीत का गौरव गान इनका मकसद था। कि इसका मतलब हुआ अतीत का गौरव गान, इसका मतलब हुआ ये बताना कि हमारा इतिहास, अतीत यानी हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था, हम कितने महान थे, अब हमारी क्या दुर्दशा हो गई है। और आप देखो द्विवेदी काल में तो, इस काल में तो एक कविता में बताते भी हैं मैत्री शनगुप्त जी, भारत भारती नाम की कविता में, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। देखो कविता, देखो क्या है कविता है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो ये हो गया अतीत का गौरव गान। विदेशी शासन के प्रति, विदेशी शासन यानी अंग्रेज, तो अंग्रेजों के प्रति प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ आक्रोश, खुले में नहीं बोलते थे, अंग्रेज जेल में डाल देंगे, तो क्या करते थे ये लोग, विदेशी शासन के प्रति आक्रोश था इनमें और छिपा हुआ आक्रोश था। ये लोग सामने नहीं आते थे, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को रखते थे, अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। आगे देखो, हास्य विनोद यानी हंसी मजाक के साथ अपनी बात को रखते थे। बाल मुकुंद गुप्त ने तो इतने अच्छे से अपनी कविता, अपने निबंधों में लिखा है, अंग्रेजों की मजाक उड़ाई है बाल मुकुंद गुप्त ने। भाषा की शिथिलता और यत्र तत्र व्याकरणिक त्रुटियों के बावजूद भी लेखक के व्यक्तित्व का सहज समावेश होने के कारण भारतेंदु के निबंध अत्यंत रोचक और आत्मीयतापूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल में प्राय सब लेखकों में थी, यानी हंसी मजाक में अपनी बात रखते थे। ललित निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु काल के बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त की वृहद त्रयी का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी इन तीन लोगों ने हंसी मजाक में बहुत अच्छे अच्छे से निबंध लिखे हैं। हम आगे पढ़ेंगे बालकृष्ण भट्ट को, तब देखेंगे कि इनकी हंसी मजाक से किस तरह से कविताएँ लिखते थे, निबंध लिखते थे। आज की क्लास यहीं तक, ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने में परेशानी आती है तो हम छोटे छोटे से वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँगे। ये हमारी पहली क्लास है, आप सभी एक बुक खरीद लेना और मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे तो हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपकी क्लासें ऑनलाइन हैं, जब ऑफलाइन क्लासें होंगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। कल हम पढ़ेंगे द्विवेदी काल, आप अपने दोस्तों को भी बताइए ऑनलाइन क्लासों के बारे में और ये लिंक सबको शेयर कीजिए। सभी को धन्यवाद।